श्रीमान आलोक जैन जी आपसे मेरा आग्रह है, मंच के पास ही रहिए। दो बूंद तो देख लिया डॉक्टर ने, देख लिया जी। क्या बताया ऑपरेशन कहीं होगा सभा हरियाणा कैंप आयोजन होते हैं फ्री एक तरह से, ठीक है, बढ़िया प्रोग्राम है, लगने चाहिए, सरकार का खास काम है। जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं आपको कितना अच्छा लगता है? ये बहुत सेवा का कार्य है, भारत विकास परिषद केशव शाखा। लगभग कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं आज? आज कम से कम 1500 से ऊपर ओपीडी की हमारा टारगेट है, और आप देख रहे हो प्रांगण में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर इस मेडिकल कैंप में अपनी बेनिफिट लेने के लिए आ रहे हैं। जो भी यहाँ पे तारीख दिया जाए उन लोगों के जो पेशेंट होंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा इलाज किया जाएगा आंखों का? जी बिल्कुल, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट आज भी सारा काम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। जैसे दो तीन दिन पहले हमने एक संदेश चलाया था कि फ्री मेडिकल कैंप होगा, जो परामर्श होगा, और एक तरह से जिनके आंखों में तकलीफ है और उन लोगों के यहाँ पे चेकअप होगी फ्री मेडिकल कैंप के दौरान, उनके ऑपरेशन भी फ्री किए जाएंगे। श्री दिगंबर जैन संस्था और साथ में भारत विकास परिषद के केशव शाखा द्वारा ये एक तरह से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। फिलहाल हम लोग जैन लाइब्रेरी और यहाँ पे नगोरी गेट के ऊपर, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं इस चीज़ का फायदा उठाने के लिए। और आज एक तरह से 3 तारीख है तो जो पोलियो मुक्त भारत करने के लिए पोलियो ड्रॉप भी यहाँ पर पिलाई जा रही है। अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है। यहाँ पे हिसार के प्रबुद्ध लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं, कई एक तरह से अपने प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन द्वारा बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी पिलाई जा रही है। और सामने आप अगर बात करें तो बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचे हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग अलग अलग इलाके से, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं। और निरंतर बात करें तो जैसे 3 दिन पहले हमने खबर लगाई थी, जो लोग आँखों में दिक्कतें, आँखों में प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए फ्री परामर्श कैंप यहाँ पे होने जा रहा है। और आप लोग उस चीज़ का फायदा उठाते हैं, उसी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने एक तरह से उसको देखा भी, बहुत सारे लोग उसी के तहत यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे जो सामाजिक संगठन है लगातार अपना अपने समाज में अपना योगदान देता है अच्छे कार्य करने के लिए, उसी के तहत यहाँ पे आज कैंप का आयोजन किया गया। बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे एक तरह से मेडिकल की टीम यहाँ पहुँची हुई है, और यहाँ पे उसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देखेंगे तो पूरा का पूरा आप देखिए प्रांगण पूरी तरह से भरा हुआ, और यहाँ पे लोग फायदा उठाने के लिए एसी के तहत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चेकिंग के लिए बीपी चेक अलग है, अलग अलग एक तरह से यहाँ पे डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, उसी के तहत यहाँ पर एक तरह से पर्ची बनाया जा रहा है कि जो एक तरह से दोनों संस्थाएं उनकी यहाँ पर टीम बैठी हुई है, बैठकर उनका नाम एड्रेस सभी चीज एक तरह से जानकारी ली जा रही है, और यहाँ से एक तरह से पर्ची बनाकर उनको दिया जा रहा है। पूरी पूरी महिलाओं की टीम यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि समाज का काम है एक तरह से समाज में अपना योगदान देने के लिए सभी लोगों की एक अच्छी भूमिका होती है, उसी के तहत यहाँ पर इस तरह का कैंप का आयोजन किया है। उसी कैंप में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी है, जैसे सुबह अगर बात करें तो यहाँ पे पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाया गया, उसके पश्चात यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक तरह से सम्मानित भी किया जा रहा है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य किया, जिन्होंने अपना समाज में अपना योगदान दिया, उनको यहाँ पे सम्मानित भी किया जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं अलग अलग इलाके से अलग अलग प्रभु लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारी भी है, साथ में समाज से जुड़े लोग भी हैं, और उनका अपना जो योगदान समाज में दिया उनके लिए यहाँ पर एक तरह से उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में आज इस कैंप में लोग पहुंचे हैं, और यहाँ पर वो लोग अपने एक तरह से मेडिकल कैंप का फायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में बहुत सारे संगठन से जुड़े हैं, राजनीतिक से संबंध रखने वाले लोग, और अपने एक तरह से चिकित्सा से जुड़े लोग, सभी तरह के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आज के इस कार्यक्रम लेके लोगों में किस तरह का उत्साह है, लोग इस कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि एक सराहनीय कदम है कि बुजुर्ग लोगों के लिए जो एक तरह से जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है उन लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, और उसका फायदा उठाने के लिए अलग अलग इलाके से अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर बुजुर्ग लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसी के साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया है, ब्लड देने के जो इच्छुक लोग हैं उन लोगों के लिए। और यहाँ पे आज 3 तारीख के पोलियो ड्रॉप भी आज बच्चों को यहाँ पे पिलाया गया। आइए हम बात करते हैं आज इस कार्यक्रम को लेके वो क्या कहते हैं। सर, जैसे पोलियो मुक्त के लिए पूरे भारत में एक तरह से अभियान चल रहा है, उसी के तहत आज फिलहाल आज भी ये कार्यक्रम है, और आपने इनॉग्रेशन किया, क्या कहेंगे? देखिए, हर साल पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, और इसके लिए मैं हमारे जो जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, हमारे यहाँ CMO मैडम और तमाम हमारे मेडिकल के पैरामेडिकल के अधिकारीगण कर्मचारीगण का धन्यवाद करूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से घर घर जा कर के भी कोई भी बच्चा ना रह जाए, ये सुनिश्चित करने का काम करते हैं। उसके परिणाम भी अभी आए हैं,
जिस तरीके से पहले हमेशा हम देखते थे कोई ना कोई बच्चे को पोलियो हो जाता था, अब कहीं भी कोई पोलियो नहीं होता। सारा हमारे डॉक्टर साहिबानों का और हमारी मेडिकल की टीम का, पैरामेडिकल की टीम का, उसी का परिणाम है, उनकी मेहनत है कि आज पोलियो मुक्त बनाने का काम जो है देश को भी प्रदेश को भी करने का काम किया है। जी लंबा एक तरह से स्तर भी चला और उसी के तहत गला भी आपका बैठा हुआ वहाँ पे, मेरे ख्याल से ज्यादा वो भी हुआ। नहीं, ये तो ठंडा कोई गर्म पानी पिया गया उससे है। बिल्कुल सत्र चला, 7 दिन का हमारा बजट सेशन था, 1,90,000 करोड़ का लगभग बहुत ही एक अच्छा बजट पेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते करने का काम किया और जिससे हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। हरियाणा किस तरीके से प्रगति के पथ पे जाए तमाम चीज़ें उसके अंदर समाहित है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, लोकसभा की पहली लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से आउट कर दी है, क्या मानते हैं समय पे चुनाव होना तो तय है, क्या दूसरी लिस्ट कब तक आने वाली होगी? देखिए, ये मेरे कोई अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो देखता है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा जल्दी आपके बीच में अगली लिस्ट भी आएगी और आने वाले समय में अभी चुनाव भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि 10 तारीख के आसपास चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, 10 तारीख के बाद कभी भी। और जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। तो क्या गठबंधन चलता रहेगा या अलग अलग चुनाव लड़े जाएंगे? 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हिसार की सिविल सर्जन हमारे साथ है, सपना गिलोर डॉक्टर की, अभी जैसे यहाँ पे पोलियो ड्रॉप का एक तरह से आज यहाँ पे शुरुआत भी होना है, यहाँ पे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा पहुंच रहे हैं और डॉक्टर साहब भी यहाँ खड़ी है, बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पोलियो मुक्त भारत के लिए निरंतर प्रयास है सरकार का, प्रशासन का, आज एक तरह से आज भी एक मुहिम शुरू होनी है, क्या कहेंगे? पल्स पोलियो प्रोग्राम का जो इंटेंसिफाइड पोलियो प्रोग्राम चल रहा है 3 दिवसीय, जिसमे 3-4-5 दिन पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएंगी, इसमें 3 तारीख को बूथ पर पिलाया जाएगा और 4 और 5 तारीख को जो है हाउस टू हाउस जाकर पोलियो की ड्रॉप्स जो है वो पिलाई जाएंगी। अगर हिसार की बात करें तो हमारे पास जो टारगेट पॉपुलेशन है 5 साल के बच्चों तक को जो पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है वो 2 लाख के करीब पॉपुलेशन है जो हम लोगों ने कवर करनी है। और आज यहाँ पे हमारा बूथ जो है वो जैन औषधालय में लगाया हुआ है, जो केशव शाखा की मदद से हम लोगों ने लगाया है, और यहाँ पर भी बच्चे आ रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं और सबको पोलियो की 2-2 बूंद पिलाई जा रही है। अगर हम लोग बात करें सरकार का, प्रशासन का पूरा एक तरह से योगदान है पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए, अभी तक क्या मानते हैं कितने % हम लोग कामयाब हो पाए? अगर हम हरियाणा की बात करें तो बहुत हम कामयाब हो चुके हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि कोई पोलियो का हमारे पास केस नहीं है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर नेबरिंग जो हमारी स्टेट्स हैं उसमें आ रहे हैं केसेस, तो हम इस पर प्रयास रहेगा कि कोई केस ना निकले। इसके लिए जो हर साल जो प्रोग्राम चलाया जाता है पल्स पोलियो का, उसमें सभी बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। सरकार की तरफ से सिविल हॉस्पिटल में फ्री जैसे इलाज होता है, आंखों के ट्रीटमेंट सभी, और इस तरह की संस्था आगे बढ़ के आती है और सफेद मोतियाबिंद जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगा के फ्री ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो इन संस्थाओं की पहल को लेकर आप क्या कहें? देखिए, इस तरह के कार्य जो है वो संस्थाएं निरंतर करती रहती हैं और इसमें स्वास्थ्य विभाग को बहुत सहयोग मिलता है और ऐसे जो कैंप्स लगाए जाते हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो योगदान दिया जा सकता है वो हम आगे बढ़ चढ़ कर देते हैं। सुरेंद्र जी, जैसे कि श्री दिगंबर जैन संस्था और भारतीय परिषद के सब शाखा द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, इसका फायदा उठाने के लिए आप क्या कहेंगे? नमस्कार। आज जैन लाइब्रेरी के प्रांगण में श्री दिगंबर जैन पंचायत एवं भारत विकास परिषद की केशव शाखा द्वारा संयुक्त रूप से विशाल मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें आंखों के डॉक्टर और बाकी सामान्य रोग, हर प्रकार की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को यहां लगातार देख रहे हैं। सुबह से हजारों की संख्या में इस समय मरीज यहां पहुंचे हुए हैं, जिनका टेस्ट भी यहां हीमोग्लोबिन और शुगर की टेस्टिंग भी चल रही है। विशेष बात यह है कि आज 2 बूंद जिंदगी की इस विषय के ऊपर जो कि हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट है पोलियो के लिए, जिसका शुभारंभ भी आज जैन लाइब्रेरी से आज यहाँ इनकम टैक्स के कमिश्नर श्री देवेंद्र कुमार जी के द्वारा फीता काट करके प्रारंभ किया गया है। और जो भी मरीज यहाँ पर आए हैं जिनकी आंखों के ऑपरेशन होने हैं, उन्हें कल से यहाँ भिन्न भिन्न हॉस्पिटल्स की
तारीख दी जाएगी और कल से उनके ऑपरेशन प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे तारीख दिया जाए उन लोगों के जो पेशेंट होंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा इलाज किया जाएगा आंखों का? जी बिल्कुल, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट आज भी सारा काम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। सभी मरीजों को दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है और कल भी जो भी ऑपरेशन कल से प्रारंभ होंगे सभी बिल्कुल निशुल्क होंगे, एक रुपए भी किसी भी पेशेंट का नहीं लगेगा। लगातार समाज सेवा में अपनी एक तरह से कदम बढ़ाते आप लोग रहते हैं और आज भी एक तरह बहुत बड़ा मेडिकल कैंप आप लोगों ने आयोजन किया, लगभग कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं आज? आज कम से कम 1500 से ऊपर ओपीडी की हमारा टारगेट है और आप देख रहे हो प्रांगण में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर इस मेडिकल कैंप में अपनी बेनिफिट लेने के लिए आ रहे हैं और भारत विकास परिषद हर साल इस तरह अपना एक निशुल्क जो है वे मेडिकल कैंप लगाती है। भारत विकास परिषद अपने संपर्क सहयोग संस्कार सेवा और समर्पण के पांच सूत्रों के ऊपर चलती है और उसी में सेवा के इस प्रकल्प में हर साल भारत विकास परिषद केशव शाखा अपना योगदान देती है और लास्ट ईयर भी इसी तरह से इन्होंने किया था और आज भी हम यहां पर हमारा टारगेट है कि कम से कम 101 लोगों को सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन का हम टारगेट लेके चले हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारा पूरा हो जाएगा। जैसे कि समय व्यतीत होता है अपने व्यवसाय के साथ साथ आपका काम भी होता है उसके साथ साथ समाज सेवा में जुड़ते हैं तो आत्म कितनी संतुष्ट है? आत्मा को तो खूब संतुष्टि मिलती है जी और सेवा करने से जो संतुष्टि मिलती है जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, तो इसीलिए भारत विकास परिषद केशव शाखा जो कि भारत की सबसे बड़ी शाखा है इसमें 350 से ऊपर सदस्य की शाखा है, सभी सदस्य इसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह के सेवा कार्य करने में अपना सहयोग देते हैं। जैसे आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, लगभग बताया जा रहा है कि 1500 से 1800 करीब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं कैंप का फायदा लेने के लिए, क्या कहेंगे इस तरह के जो कार्य होता है समाज में तो जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं आपको कितना अच्छा लगता है? ये बहुत सेवा का कार्य है, भारत विकास परिषद केशव शाखा और श्री दिगंबर जैन पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क मेडिकल परामर्श कैंप वास्तव में सेवा का एक महाकुंभ है जो समाज के संपन्न समाज से सहयोग लेकर जरूरतमंदों की सेवा के लिए इस तरीके का आयोजन, यही हमारे भारत को महान बनाती भी है। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में इस प्रकार की ये विरासत ही है हमारे पास जो हम समाज का सहयोग करते हैं, समाज से लेना और समाज को देना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, इन भावों के साथ इस प्रकार का समाज का सहयोग दोनों संस्थाएं निरंतर करती आ रही हैं। आज के इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि समाज के संपन्न समाज के सभी बंधुओं से हम अपने धन का उपयोग समाज हितार्थ कार्यों में राष्ट्र धर्म हितार्थ कार्यों में करें, इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और आज के इस अवसर पर इतना ही। और जैसे कि लगभग कितने डॉक्टरों की टीम है आज इस मेडिकल कैंप? आज के इस मेडिकल कैंप में 15 डॉक्टर्स हैं जो सभी हिसार शहर के प्रसिद्ध अस्पतालों से हैं और सभी अपने अपने विभाग के स्पेशलिस्ट हैं, आंखों के डॉक्टर्स हैं जो जिनके माध्यम से हम लोग निशुल्क सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन यहाँ करवा रहे हैं, डॉक्टर विपिन गोयल, डॉक्टर प्रियंका मित्तल, डॉक्टर दीपक मित्तल सेवक सभा चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल से, श्री रानी दादी मंगाली वाला ट्रस्ट अस्पताल से और डॉक्टर दीपक मित्तल नरवाना से हैं। इसके अलावा सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्वनी अग्रवाल, डॉक्टर सुशील सिंगला, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू सिंगला, न्यूरो सर्जन, बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पहुंची हुई और यहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं दे रही। अलग अलग संस्थाओं से जुड़े लोग भी यहाँ पर हैं और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग गांवों से अलग अलग इलाके से हिसार शहर के लोग भी यहाँ इस कैंप का फायदा उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से? बूढ़ा खेड़ा से। क्या दिक्कत आ रही है आंखों में? दिक्कत तो क्या दिखाने के लिए आए हो? आँख दिखाना है। अच्छा, तो देख लिया डॉक्टर ने? देख लिया जी। क्या बताया? ऑपरेशन कहीं होगा? ऑपरेशन होगा। आप कहाँ से हो? बूढ़ा खेड़ा डॉक्टर। बूढ़ा खेड़ा से आंखें दिखाने आए हो? आँख जी। अच्छा, तो चेक कर लिया? क्या कह रहे डॉक्टर साहब? कर लिया जी। हमें बोले आँख बनेगी। आँख बनेगी। आपका नाम जी? कहाँ से हो आप? बूढ़ा खेड़ा। तो यहाँ पे आंखें दिखाने आ रहे हो? आंखें दिखाने आए। आप कहाँ से हो? हिसार से हूँ जी। क्या आंखें दिखाने आए हो? हाँ जी। तो कैंप आयोजन होते हैं फ्री एक तरह से, ठीक है? बढ़िया प्रोग्राम है जी। बढ़िया है। आप कहाँ से आए हो? आर्यनगर कुरुड़ी। आंखें दिखाने आए हो? हाँ। तो क्या मानते हैं, फ्री जांच हो रहा है और एक तरह से कह रहे हैं कि ऑपरेशन भी फ्री किया जाए, ठीक है? ऑपरेशन तो नहीं, क्या दिखाना है? मतलब पर्ची दिखाने आए?
दिक्कत है आंखों में। हाँ तो ऐसे कैंप लगने चाहिए ना फ्री है? ऐसे कैंप लगने चाहिए। हाँ लगने चाहिए सरकार का खास काम है यू। अच्छा। एक नंबर का। तो ये तो सर प्राइवेट संस्थाएं लगा रही है। सीताराम लगना चाहिए जी कैंप जी। ठीक है जी। अभी जैसे अलग अलग डॉक्टर्स यहाँ पे पहुंचे उन लोगों को सम्मानित भी किया गया है और यहाँ पे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। हम बात करेंगे जैसे आपको यहाँ सम्मानित भी किया गया है और अपनी सेवाएं भी आप दे रहे हैं, कैसा लग रहा है इस तरीके के समाज सेवा में अपना कदम बढ़ाते तो? वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो ये लोग हम लोगों को दे रहे हैं। जैसे आज के मेडिकल कैंप की बात करें जो एक तरह से आर्थिक स्थिति जिन लोगों की कमजोर है उन लोगों के लिए इस तरह कैंप लगाया गया है, ये समय समय पे होना चाहिए, आप क्या मानती हैं? सर ऐसे कैंप बिल्कुल होने चाहिए। फ्री कैंप होता है तो लोगों को ज्यादा पता चलता है, जो लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते उनको भी मौका मिलता है। इस तरह कैंप में आकर आपको कैसा, आपके खुद के अनुभव कैसे हैं इस तरह के जब मेडिकल कैंप में कहीं पहुंचते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, हालांकि डॉक्टर का पैसा ही सेवा करना है, उसके बावजूद इस तरह के फ्री कैंप में जाकर अपने योगदान देना? सर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें कि हम अपने पर्सनल थॉट को आगे लोगों को बता सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें अच्छा लगता है।